स्वागत है आपका दोस्तों, आप अपने चैनल स्क्वायर ऑफ क्लासेस में। और आज हमारी फिल इन द ब्लैंक्स की थर्ड सीरीज स्टार्ट हुई है। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर पसंद करिएगा, और बाकी तो आप समझदार हैं, आप जानते हैं क्या करना है। चलिए बिना टाइम को लॉस के स्टार्ट करते हैं। सो वेल डन इज़ बेटर देन वेल सेड, कुछ अच्छा करना ज़्यादा बेहतर है कुछ अच्छा बोलने से। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको अपने एक्शन को अच्छे करना है, आपको बातों से ज़्यादा अपने एक्शन पर ध्यान देना है। लेट्स स्टार्ट। So our first question is, the climate is not conducive dash good health। तो conducive means होता है दोस्त कि जो मतलब health के हिसाब से यहाँ पे weather नहीं है, मतलब ये climate जो है ये आपके health के हिसाब से, मतलब climate में कुछ खराबी है, climate सही नहीं है ना, आपको suit नहीं कर रहा आपके health के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा the climate is not conducive to good for health। तो 103 का आंसर हो जाएगा टू गुड फॉर हेल्थ। टू प्रपोजिशन यहाँ पे लगेगा क्योंकि कंड्यूसिव मतलब होता है कि आपके मतलब वेदर या क्लाइमेट अगर आपका सही नहीं है तो उसको कहते हैं कि मतलब आपको क्लाइमेट वो सूट नहीं करेगा, उसको कहते हैं कंड्यूसिव। नेक्स्ट, डॉग लिव्स इन अ बरो कूप स्टेबल कैनल। बरो में फ्रेंड देखिए रैबिट रहते हैं, आपका स्टेबल में आपके, इसको आप स्टेबल में हिंदी में कहते हैं अस्तबल में हॉर्सेज रहते हैं, और कूप में आपके पोल्ट्री की चीज़ रहते हैं, पोल्ट्री के सारे जैसे चिकू हो गए वो रहते हैं, और कैनल में आपके रहते हैं डॉग। तो हो जाएगा डॉग्स लिव्स इन कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश आई मेट यू लास्ट। कई सारी चीज़ें हुई थी जब मैं तुमसे आखिर बार मिला था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या है कि मेनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश आई मेट यू लास्ट में जो अप्रोप्रिएट मीनिंग आपका आएगा, वो बच्चे कुछ कन्फ्यूज हो जाएंगे बिफोर और सिंस में, क्योंकि वैन की कोई बात नहीं हो सकती, फ्रॉम की कोई बात नहीं हो सकती। तो सिंस यहाँ का आंसर होगा कि सिंस आई मेट यू लास्ट, मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से बता रहा है कि जब मैं तुमसे आखिरी बार मिला था तो उस समय काफ़ी चीज़ घटना बीत हो चुकी थी। तो सिंस का मीनिंग यहाँ पे आ रहा है, तो सिंस हो जाएगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106, इफ़ डैश परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। इफ़ डैश परमिट्स, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वेदर को कोई मीनिंग नहीं होता, वेदर ये वाला आएगा नहीं, और क्लाइमेट और वेदर में आपका बात रहेगा। तो अगर आपको वॉक करना है, मतलब कि आप किसी लोकल जगह पे हैं, आप किसी जगह पे, और आप उस जगह की एक पार्टिकुलर जगह का मौसम की बात कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे हो जाएगा इफ़ आपका वेदर हो जाएगा, इफ़ वेदर, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वेदर परमिट्स वी विल गो आउट ऑफ वर्क। क्लाइमेट नहीं हो सकता क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वो काफ़ी लार्ज एरिया का होता है, क्लाइमेट जिसको हम लोग एक तरह से आप समझ सकते हैं क्लाइमेटिक चेंज, हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये मतलब होता है कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में क्लाइमेटिक चेंज है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की बात होती है। और वेदर हम लोग एक छोटे छोटे एरिया की बात लेके चलते हैं कि यहाँ पे वेदर परमिट आपको नहीं कर रहा है, वेदर मतलब अगर ठीक नहीं वेदर है तो आप बाहर नहीं निकल सकते। नेक्स्ट 107, हिज परसुएसिव टोन वॉज एबल टू टैकल द बॉय हुम अदर टीचर हैड फाउंड। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है फ्रेंड्स कि हिज परसुएसिव टोन वॉज एबल टू टैकल द बॉय हुम अदर टीचर हैड फाउंड, मतलब उस लड़के की बातों को टैकल करना, उस लड़के की बातों को टैकल करना अदर टीचर, मतलब वो जो लड़का है वो क्या है ऐसी, मतलब वो लड़का की क्वालिटी यहाँ पे बतानी है कि वो लड़का किस तरह का है जो उसके लोग उसकी बात को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, टैक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा कि देखिए पेरी 107 में मैं बता रहा हूँ कि ऑब्टूरेट पेरीपेरिटिक एंड टेनेसियस। तो पेरीपेरिटिक मतलब होता है गोइंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का मतलब होता है कि किसी भी काम के लिए आपको यहाँ से वहाँ जाना, और ऑब्टूरेट मतलब होता है स्टबन मतलब होता है जिद्दी टाइप का, टेनेसियस मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे हैं, डिटरमाइंड हैं आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। और स्क्विमिस मतलब होता है स्क्विमिस मतलब होता है फ्रेंड्स कि डर, किसी चीज़ को डील करने में डर लगना। तो यहाँ पे जो मीनिंग आएगा कि उस लड़के को अदर टीचर क्या फाउंड कर रहे हैं, ऑब्डूरेट फाउंड कर रहे हैं। ऑब्डूरेट मतलब वो लड़का जिद्दी, वो अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है, इसलिए उस लड़के को टीचर ऑब्डूरेट फाउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। ऑब्डूरेट का आंसर क्या है फ्रेंड्स कि आई ऑलवेज फॉल के बाद ये जो चार आपको दिख रहे हैं ये सब आपके फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। तो फ्रेजल वर्ब अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फॉल बैक ऑन मतलब होता है, फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कि डिपेंड होना किसी चीज़ के, किसी चीज़ के ऊपर सपोर्ट रहना, आपको कुछ सपोर्ट कर रहा है। तो आप अपने ओल्ड पुराने, आप जरूरत के समय अपने पुराने दोस्तों पर निर्भर, आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ नीड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉल ओवर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लटका देना, फॉल ओवर किसी चीज़ को लटका देना, और फॉल थ्रो ऑप्शन नंबर सेकंड है फॉल थ्रो। तो फॉल थ्रो का मतलब हो जाएगा कि पूरी तरीके से वो कम्प्लीट नहीं हुआ है, और फॉल बैक ऑन आपका आंसर है। और फॉल ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी को कम करना,
फॉल ऑफ, तो यहाँ पे आपका फॉल बैक ऑन आपका अप्रोप्रिएट मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त 109, द कैंपर्स डैश देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंप जो लगाते हैं उनको कहते हैं कैंपर्स, जो कैंप लगाते हैं, जो टेंट लगाते हैं उनको कहते हैं कैंपर्स। तो कैंपर्स जब भी अपने टेंट को लगाते हैं कहेंगे पिच्ड, वो लोग पिच्ड करते हैं, तो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ग्राउंडेड नहीं हो सकता, इंस्टॉल नहीं होता, तो पिच्ड हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट डैश टू इट्स डेस्टिनेशन। वेरी इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है कि ये बच्चा अगर कोई इंग्लिश नहीं जाए तो भी बता सकता है कि रूट, द पार्टी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट, रास्ता सबसे छोटा रास्ता लेना चाहते हैं वहाँ पर अपनी मंजिल पहुँचने के लिए, तो शॉर्टेस्ट रूट होगा 110 का आंसर, शॉर्टेस्ट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर मैं कहूँ आपसे रूट क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं शॉर्टेस्ट आपका एडजेक्टिव लगा हुआ है, और जब शॉर्टेस्ट आपका एडजेक्टिव है तो रूट यहाँ पे नाउन का काम करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन, तो शॉर्टेस्ट रूट। नेक्स्ट 111, द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर। तो यहाँ पे भी आपको फ्रेजल वर्ब काम आएगा, तो अगर आप फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ के आइए फ्रेजल वर्ब को, क्योंकि फ्रेजल वर्ब को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। देखिए होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब क्या होता है, होल्ड ऑन मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप पकड़े हुए हैं, किसी चीज़ को आप बना कस के पकड़े हुए होल्ड ऑन किए हैं। होल्ड विथ, होल्ड विथ मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से एग्री हो गए हैं, मतलब आप उस बात को मान चुके हैं। होल्ड डाउन, होल्ड ऑन मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का मतलब एक लिमिट आप फिक्स कर दिए, जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा कोई बोल रहा है तो आप कहते हैं होल्ड डाउन, मतलब रुक जाओ, मतलब उसकी आप उसको बांध दिए, उसको लिमिट कर दिए। और एक आपका है होल्ड बैक, होल्ड बैक मतलब होता है कि किसी चीज़ की ऊपर कंट्रोल रखना, किसी चीज़ के आप किसी चीज़ को अपने अंडर में लेना, तो मतलब कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। तो द मैनेजर नीड्स टू होल्ड बैक, होल्ड बैक इज एंगर, अगर वो गुस्से में तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने उसको होल्ड बैक करना होगा, जिसको आपके फ्रेजर वर्ब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 112, द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड इन ऑन ओवर विथ। यहाँ पर प्रीपोजिशन का पूरा खेल है, तो द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड इन हर सेल्फ, इन नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता, द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड ओवर हर सेल्फ नहीं हो सकता, द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हर सेल्फ। आई थिंक विथ हर सेल्फ सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो खुद की बात कर रही है, द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद की बात कर रही है, तो आपको विथ यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग देगा, तो विथ हर सेल्फ हो जाएगा। 113, डिज़ायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन का खेल है, तो फॉर ऑन बाई ओवर, तो जैसे कि आप देख रहे हैं डिज़ायर और सेल्फ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो डिज़ायर आई थिंक दैट मेरे समझ से आंसर क्या है कि फॉर होना चाहिए, क्योंकि डिज़ायर है और सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अगर आप कुछ देर के लिए फॉर को ना लगाइए तो आप ऑप्शन को एलिमिनेशन करना सीखिए, कि आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। डिज़ायर ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन, तो अगर आप ऑन का यूज़ पढ़े होंगे तो आपको पता हो कि ऑन कहाँ यूज़ होता है, ऑन ऐसे जगह पर यूज़ नहीं होता जहाँ पर खुद की बात करते हैं, तो ऑन नहीं हो सकता, बाय नहीं हो सकता, ओवर, डिज़ायर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, तो बचा फॉर, और आप उसको सेट करिए डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए डिज़ायर, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए चाह, एक बहुत ही जनरल क्वालिटीज आदमी की है मैन की, तो फॉर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 114, द फार्मर्स सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव। टाइम के पहले में से ऑन लगता है फ्रेंड्स, ऑन टाइम होगा, ये तो बहुत ही बेसिक प्रपोजिशन का रूल है कि ऑन के साथ टाइम लगता है, इसको आप रूल कह सकते हैं, इसको आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, इसको आप अलग अलग टीचर अलग अलग आपको बताते हैं, रूल कोई होता है कोई कॉन्सेप्ट कहता है, तो जो आपको लगे आप बोल दीजिए, मेरे हिसाब से तो ऑन टाइम होना चाहिए, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, द ब्राइट सेटल्ड डैश वेरी वेल इन द न्यू एनवायरमेंट। द ब्राइट सेटल्ड, देखिए किसी भी नए जगह पर के सेटल होने को, यहाँ पे भी आपका फ्रेजल वर्ब आएगा, तो किसी भी नए जगह पे जाके सेटल होने के लिए आपको सेटल डाउन का यूज़ करना पड़ता है, कि द ब्राइट सेटल डाउन वेरी वेल इन अ न्यू एनवायरमेंट। तो अगर आप सेटल ऑन की बात करेंगे तो सेटल ऑन मतलब होता है कि किसी डिसीजन को, मतलब आप सोच समझ के एक डिसीजन पे सेट हुए हैं, और सेटल डाउन आपका आंसर है। नेक्स्ट 116, आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग जापान। ऑप्शन फर्स्ट ऑफ इन टू अबाउट, आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर यू रियली डिजायरस, तो मेरे समझ से ऑफ विजिटिंग जापान, ऑफ विजिटिंग जापान होगा, क्योंकि आप विजिटिंग, अगर मान लीजिए आप अपने आप को रख के देखिए, तो आप पूछेंगे कि आर यू रियली डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान, आप जापान विजिट करने के समय मतलब काफ़ी खुश हैं, काफ़ी डिजायरस, काफ़ी आपका मतलब चाह है, तो ऑफ हो जाएगा, इन नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, अबाउट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, When Indians from the south move north, they find certain aspects of life quite different from their own.
क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर, मतलब खुद से वहाँ पे क्या मतलब क्या है कि रहने की जो एक्सपेक्ट होती है, जो रूल्स होते हैं, रहने के जो भी डिफरेंट स्टाइल होते हैं, वो आप अगर नॉर्थ की तरफ, अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ वाले नॉर्थ आएंगे, नॉर्थ वाले साउथ जाएंगे, तो खुद से खुद का जो उनका स्टैंडर्ड होता है जीने का, वो वहाँ पर जाके डिफरेंट स्टैंडर्ड देखेंगे, तो वो जगह डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 118, द स्काई इज़ ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स कि जैसे ब्लर ब्लर हो जाना, जैसे जैसे बरसात के कुछ समय पहले का जो मौसम होता है, जो काफ़ी धुंधला धुंधला दिखता है, ब्लर ब्लर दिखता है, उसको कहते हैं ब्लर हो जाना, तो ओवरकास्ट कंडीशन को कहते हैं। क्रिकेट में भी सुने होंगे, द स्काई इज़ ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून बर्स्ट, मतलब कि जो स्टॉर्म है वो जल्द ही अपना असली रूप लेगा या बर्स्ट होगा या आएगा। तो हम कहते हैं उसको एक्सपेक्ट, हम लोग उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, द स्काई ओवरकास्ट वी एक्सपेक्ट द स्टॉर्म विल सून बर्स्ट। होप किसी चीज़ की आशा करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आशा नहीं कर रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं हम लोग, हमें मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है आ सकता है, ट्रस्ट विश्वास की कोई बात नहीं, सस्पेक्ट की बात नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं, होप की बात नहीं, तो एक्सपेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, पॉपुलेशन इंक्रीज डैश विथ डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स हैज़ लेड टू ग्रेट डेली हार्डशिप। तो यहाँ पे 119 में क्या है कि फिर से आपका फ्रेजर वर्ब का काम आएगा, और फ्रेजर वर्ब का काम आएगा, और आपको पता है कि विथ आपका प्रपोजिशन है, तो इसके पहले जॉइंट मिक्स्ड एडेड और कपल में से क्या आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज, जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है, वो आपको यहाँ पे चारों के मीनिंग में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा, कि चारों के चारों एक दूसरे को ज्वाइन करने वाले मीनिंग है। तो विद डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व, तो कपल्ड होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज कपल विद डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व। कपल विद मतलब होता है कि किसी दो चीज़ों को लिंक करना, किसी दो सिचुएशन को लिंक करना। तो सिचुएशन को जब आप लिंक करते हैं तो कपल विथ लगाएंगे, तो यहाँ पे दो सिचुएशन को लिंक किया जा रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज पहला सिचुएशन है, और साथ ही साथ डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व सेकंड सिचुएशन है, तो जब उसको आप कनेक्ट करेंगे तो कपल विथ के साथ लगाएंगे। नेक्स्ट, द नेशनल एंथम इज डैश एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन, अटर्ड होता नहीं है, विस्पर्ड होता नहीं है, और चैंटेड होता नहीं है, तो हमेशा नेशनल एंथम संग होता है, तो संग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, द डॉक्टर टुक आउट हिज स्टेथोस्कोप। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आपको पता होगा स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, बाकी हॉरोस्कोप माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नहीं यूज़ करते हैं। 122, द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशन वाज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। तो 122 का जो आंसर है दोस्त क्या है कि, पहले मैं को मीनिंग बता देता हूँ कि कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दोस्त, कि इस चीज़ को कम्प्लीमेंट करना। कॉन्स्पिशियस मतलब होता है कि बहुत ही ईजी से आप किसी चीज़ को आप नोटिस कर लिए, बहुत आप इजी से देख लिए, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो क्लियर था, तो आप उसको आराम से देख लिए, आप उसको गौर कर लिए आराम से। इनकम्प्रहेंसिबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ना समझ पाना, कम्प्रहेंसिबल मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, और इन अगर आगे लगे तो उसके अपोजिट मीनिंग होगी कि नॉट अंडरस्टैंडिंग। और रिमार्केबल मतलब होता है एक रिमार्क बना देना, एक याद कर देना, मतलब एक उसको कहते हैं कि आप एक सरप्राइज दे दिए। तो द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशन वाज रिमार्केबल फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। ब्रेविटी मतलब होता है ईजी टू यूज़, छोटे में अगर आप बात अपनी, मतलब अगर आप किसी चीज़ को छोटे में और सरल शब्दों में और सामने वाले को समझा भी दी, तो उसको आप कहते हैं ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। तो एक कैंडिडेट्स का इस तरह का एक्सपोजिशन लोगों को शॉक कर दिया, लोगों को रिमार्केबल बना दिया। नेक्स्ट 123, द न्यू इंडिया दैट नेहरू लेट कॉल इट्सेल्फ अ सॉवर्न डैश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 123 में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सोशलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि सोवरेन सोशलिस्ट मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जहाँ पे पार्टी मतलब क्या बिलीव करते हैं कि सबको इक्वल राइट है, ये होता है सोवरेन सोशलिस्ट, आप पढ़े होंगे पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, डैश यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरीज। तो 124 में क्या है कि डैश यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरीज। तो इफ़ अनटिल अनलेस लेस्ट, तो 124 का जो आंसर है दोस्त वो आपको हो जाएगा अनलेस, क्योंकि अनलेस जो है कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे है, तो अनलेस आपका यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि इफ़ अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फिर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप प्रिलिमिनरीज को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आपको यहाँ पे अनलेस लगेगा, जब तक से तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। नेक्स्ट, लास्ट ईयर अवर कंपनी मेड, अब कंपनी की बात हो रही है तो कुछ लाख रुपीस की, तो जब भी कंपनी की जब ऐसी बात होती है तो प्रॉफिट लगेगा, क्योंकि पैसे की अगर आप कमा रहे हैं, अगर आप मुनाफा कमा रहे हैं उसको प्रॉफिट से,
प्रॉफिट टर्म आप से आप बताएंगे ना कि गेन टर्म से बताएंगे, तो राइज और रेस की कोई बातें नहीं होती। लोगों को कन्फ्यूजन होता है प्रॉफिट और गेन में, तो गेन वहाँ लगाएंगे जहाँ पर आप किसी चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, सॉरी जब बढ़ा रहे हैं या लॉस किसी चीज़ को कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कंपनी मेड मेड आपका मतलब एक तरह से शो कर रहा है कि कंपनी अपना प्रॉफिट बना रही है, तो बना रही है मतलब कि प्रॉफिट लगेगा ना कि गेन। अगर कंपनी कुछ कमा रही होती तब उसको गेन कहते हैं। नेक्स्ट 126, द पीपल द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स हैज़ बीन फाउंड टू बी डिफिशियंट इन विटामिन एंड प्रोटीन्स। खाने में जो डिफिशियंट जो कमी हो रही है विटामिन एंड प्रोटीन्स की, तो जब खाने में हो रही है तो इन लगाएंगे। नेक्स्ट 127, द पेशेंट इज डैश ऑफ स्टमक। तो स्टमक का कंप्लेन, पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है स्टमक का। अगर यहाँ पे स्टमक की जब कोई बीमारी होती तो सफरिंग लगाते, जैसे फीवर हो गया, हाई फीवर हो गया, तो उसको सफरिंग से करते। एक्सपीरियंसिंग का कोई मतलब यहाँ पे नहीं, एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं, अफ्लेक्टिंग का मतलब नहीं, तो यहाँ पे कंप्लेनिंग हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो स्टमक का कंप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट 128, अ गुड टीचर शुड, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक, इलिसिट मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, तो इन्फॉर्मेशन को गैदर करना या इन्फॉर्मेशन को के ऊपर कोई रिएक्ट करना, तो किसी जानकारी को आप समझाना, तो और प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का इफेक्ट, तो प्रोवोक होता है किसी भी चीज़ का इफेक्ट, और कमांड मतलब आप जानते हैं, कमांड मतलब किसी चीज़ को ऑर्डर देना, और इन्फॉर्म मतलब होता है कि अपने ओपिनियन को किसी ओपिनियन को डिसाइड करना सही है कि गलत। तो यहाँ पे मेरे समझ से गुड टीचर शुड एलिसिट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स से जो रिस्पॉन्स उनको मिल रहा था, उन सब इन्फॉर्मेशन पर वो रिएक्ट कर रही थी कि कौन इन्फॉर्मेशन कैसा दे रहा है, उसके ऊपर वो अपनी राय रख रही थी, तो एलिसिट हो जाएगा। 129, हैड ही टेकन हिज डिग्री 5 ईयर अगो ही डैश गॉट अ प्रमोशन बाई नाउ। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस आ गया। तो हैड ही टेकन हिज डिग्री 5 ईयर अगो, यहाँ पे बात चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि हैड लगा हुआ है और सबका सब पास्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और आप पढ़े कंडीशनल में जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो हमें चाहिए पास्ट पार्टिसिपल, और वो पास्ट पार्टिसिपल हमारा बनेगा वुड हैव, तो ही वुड हैव गॉट अ प्रमोशन बाई नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, देर विल बी ए रस फॉर सीट्स, देर विल बी रस फॉर सीट्स वेन द ट्रेन। यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस, और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यूचर में लगा है, तो अगर आप इसको हिंदी मीनिंग में समझना चाहेंगे तो इसका मतलब होगा कि देर विल बी रस फॉर सीट्स, सीट्स के लिए भगदड़ या सीट्स के लिए भागी दौड़ी होगी जब ट्रेन आएगी, जब ट्रेन वैन ट्रेन अराइव्स, जब ट्रेन आएगी मतलब कि आप ट्रेन आने वाली है लेकिन अभी तक आई नहीं, मतलब आप एक तरह से प्रेजेंट में और उस ट्रेन की वेट कर रहे हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बोल दिए कि जब ट्रेन आएगी तो बहुत ही ज़्यादा रश होने वाला है, तो वैन ट्रेन अराइव्स हो जाएगा। तो और अगर आप रूल के हिसाब से समझेंगे तो जब भी आपका फ्यूचर में सेंटेंस रहता है तो उधर आपका सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस रहता है, आपका इधर सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस रहेगा और इधर आपका फ्यूचर में रहेगा, तो अगर कोई ना कोई कंडीशनल से जुड़ा हुआ है तो। नेक्स्ट 131, ही ड्रोव द कार वेरी फास्ट। क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। जब ही ड्रोव द कार वेरी फास्ट है तो यहाँ पे हमको चाहिए कि सिंपल में नेगेटिव चाहिए, तो सिंपल में नेगेटिव आपको कौन दे रहा है, और यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट का चाहिए वर्ब, तो डिडंट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, ही डैश वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। ही के बाद हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि डोनेट करेगा ही को, तो ये हो जाएगा हमें चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन जो कि ही को बताएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका हो जाएगा हु, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है और एक पर्सन को बताया जा रहा है तो हु लगेगा। इट इज़ टाइम यू वेंट होम, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ टाइम को बताता है पास्ट का टाइम, क्योंकि वो टाइम इट इज़ टाइम का मतलब होता है पास्ट का टाइम, मतलब कि वो टाइम जब आपका था तो आपने वो काम किया नहीं उस समय पे, आप उस समय घर गए नहीं, तो आपको फिर उसी टाइम को रिलेट करके आपको प्रेजेंट में कहा जा रहा है कि इट इज़ टाइम यू वेंट होम, ये समय है तुम घर जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, डैश अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ। तो यहाँ पर बहुत बेसिक है गोइंग टू क्यों नहीं हो सकता फ्रेंड्स, कि गोइंग टू अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ, क्योंकि गोइंग टू ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये टू आपका प्रपोजिशन है, ये टू आपका यहाँ पे स्विच सेट नहीं करेगा, तो प्रपोजिशन ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप टू यहाँ पे लगा दें तो आपका एरर हो जाएगा, क्योंकि जो गोइंग टू हमेशा हम लोग दिखाते हैं किसी डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं, तो यहाँ पे ना कोई डायरेक्शन बता रहा है ना कुछ बता रहा है, तो गो टू यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि हमें चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका गोइंग, और गोइंग आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये जेरंड का काम कर सकता है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि जेरंड होते हैं वर्बल नाउन, और नाउन हो सकते हैं, तो जेरंड आपके सब्जेक्ट के काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक के लिए, मॉर्निंग में वॉक के लिए जाना आपकी सेहत को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मस्ट डैश द राइज इन प्राइसेस। तो गवर्नमेंट मस्ट बहुत ही बेसिक है, चेक द राइज इन प्राइसेस, जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई उसको गवर्नमेंट चेक कर सकता है, चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को, मस्ट लगा है। नेक्स्ट 136,
when I was speaking to Rani over the phone, suddenly we were hung up नहीं हो सकता, run out नहीं हो सकता, broken और cut off. Call की बात हो रही है, जब हम लोग इस रानी से फ़ोन पर बात करें तो कॉल जो हो गया, suddenly we were cut off, मतलब कि कॉल कट हो गया. आप लोग का कॉल कट हो गया. फ्रेजल वर्ब है कि आप दो किसी दो लोगों के बात करने में अगर कोई इंटरप्शन आ रहा है तो उसको आप कट ऑफ से बता सकते हैं. तो यहाँ आपका दो लोगों में बात करते समय इंटरप्शन आया है तो कट ऑफ हो जाएगा. नेक्स्ट 137. द फार्मर हैड डैश लैंड एंड मेनी सर्वेंट्स. तो द फार्मर हैड मेनी सर्वेंट्स से मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लैंड उसके पास काफ़ी होगा, तो आप अ लॉट ऑफ लैंड लगा सकते हैं. नेक्स्ट द ट्राइब्स लिव्ड डैश ऑन डैश कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट इंग्लिश हैड एवर सीन. द ट्राइब लिव्ड अगर वो अपने वसूलों पर रह रहे हैं, अगर वो अपने कस्टम पर रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लगाएंगे लिव बाई और ये आपका हो जाएगा फ्रेजल वर्ब. फिर से फ्रेजल वर्ब है क्योंकि लिव बाई मतलब होता है, लिव बाय का मतलब होता है कि किसी भी बिलीफ को, किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी सिद्धांत को आप फॉलो कर रहे हैं. आप किसी न किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो लिव बाय हो जाएगा. और वहाँ जो ट्राइब्स की बात हो रही है वो अपने कस्टम के हिसाब से रहते हैं, तो मतलब एक तरह से अपने कस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपका हो जाएगा लिव बाय. और लिव ऑन मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, उसी चीज़ पर आप जी रहे हैं, उसी चीज़ को कंटिन्यू करें. लिव ऑन लिव विद मतलब कि किसी तरह आप उस किसी चीज़ को मान लीजिए जो आपके लिए अच्छा, मतलब आप बिना मन के उस चीज़ को मान लीजिए तो हो जाएगा लिव. नेक्स्ट क्वेश्चन 139. द क्रिमिनल टुगेदर विथ हिज एसोसिएट्स. देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, कि द क्रिमिनल आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट आपका तो क्रिमिनल है. क्रिमिनल के साथ उसके एसोसिएट्स तो हो रहे हैं अरेस्ट, लेकिन हो रहे थे अरेस्ट, लेकिन मेन जो है वो द क्रिमिनल है. तो क्रिमिनल के हिसाब से आपका लगेगा वर्ब. और यहाँ पर जो बात हो रही है अरेस्टेड पास्ट में, तो आपका हो जाएगा ये वॉज. द क्रिमिनल वॉज टुगेदर विथ हिज एसोसिएट अरेस्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 फ्रेंड्स यहाँ पे एडिट हुआ नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. 141. व्हेन ही गॉट मैरिड ही डैश अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. यहाँ पे भी दोस्तों आपका फ्रेजल वर्ब का काम है, तो आप जरूर फ्रेजल वर्ब को पढ़िए. देखिए टुक अप मतलब होता है, टुक अप मतलब होता है कि किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना या टुक अप करना या इकट्ठा करके उसको उठाना. और आपका टुक इन मतलब होता है कि आप अपने घर में जाने के लिए अलाउ, टुक इन मतलब कि आप अंदर आ सकते हैं, आप किसी के घर में रह सकते हैं, आपको परमिशन मिल गया है, टुक इन. और आपका है टुक ओवर मतलब होता है कि आप किसी को रिप्लेस कर दीजिए. टुक ओवर मतलब होता है रिप्लेस कर दीजिए, तो टुक ओवर मतलब होता है रिप्लेस कर देना. टुक इन मतलब होता है कि आप किसी को, आपको परमिशन मिल चुका है, आप घर में रह सकते हैं. टुक अप मतलब होता है कि आप पिक कर सकते हैं, आप किसी को स्टोर करके उसमें से कुछ उठा सकते हैं, टुक अप कर सकते हैं. लेकिन टुक आउट मतलब होता है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करना या उसको निकालना. तो व्हेन ही गॉट मैरिड ही टुक आउट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. टुक आउट मतलब कि आप उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप देख रहे हैं या उसको निकाल के आप देख रहे हैं मैरिड के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन 142. इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प मी. क्वेश्चन मार्क का मतलब है फ्रेंड्स कि पहले वर्ब आएगा, और पहले वर्ब यहाँ पे है नहीं ऑप्शन फर्स्ट में. यहाँ पे वर्ब है ये हो सकता है, यहाँ पे भी वर्ब है नहीं और ये हो सकता है. लेकिन आप बात देखिए तो आपकी बात चल रही है इन द लास्ट फ्यू डेज, बीते कुछ दिनों में होगा तो इज भी नहीं आएगा, तो कब हो जाएगा हैज़ एनीथिंग बीन डन. क्योंकि ये आपका बता रहा है पीछे कुछ दिनों की बात, क्योंकि ये जो टेंस है वो आपको बता रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 143. व्हाइल पिकिंग अ रोज सी डैश हर हैंड ऑन अ थॉर्न. अगर किसी कांटे से गुलाब तोड़ते समय अगर कांटे से आपको चोट लगती है तो आप उसको कहते हैं स्क्रैच्ड, क्योंकि वो आपको एक स्क्रैच बनाता है, ना कि आपको काट देता है, ना आपको डैमेज करता है वो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान. 144 का आंसर है दोस्त. तो द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव द फादर्स प्लान, और अप्रूव आपका वर्ब है, और अप्रूव के साथ में सबको ऑफ लगता है, तो हो जाएगा द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान. चाइल्ड आपका हमेशा ऑफ लेता है. अच्छा दोस्त इसका मतलब ये नहीं, ये मत समझ रहे अप्रूव हमेशा ऑफ मतलब ये नहीं, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान मतलब कि फादर्स का जो प्लान, अगर मैं यहाँ पे ऑफ को छोड़कर कुछ देर के लिए टू लगा दूँ तो हो जाएगा द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव टू द फादर्स प्लान. और मैं आपको बताया हूँ कि टू आप उस जगह पे लगा दें जहाँ पे आपको कुछ एक दिशा टाइप का दिखाना पड़ता है कि हाँ किसी चीज़ की ओर, यहाँ पे वो मीनिंग नहीं निकला तो टू नहीं हो सकता. बाय आपका यहाँ पे नहीं लग सकता कि बाय आपका पैसिव वॉइस में लगता है, तो बाय आपका यहाँ पे ऐसे ही नहीं लग सकता. आपका विथ द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव विद द फादर्स प्लान, देखिए चाइल्ड जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा है, तो फादर प्लान के साथ अगर विथ लगाएंगे तो मीनिंग आ रहा है फादर प्लान के साथ, तो ये अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं बैठ रहा है, मीनिंग गलत निकल रहा है, सेंस गलत निकल रहा है. इस वजह से हम लोग लगाए द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान, फादर प्लान का जो फादर का जो प्लान उस पर वो अप्रूव नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 145. नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड. यहाँ पे देखिए फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको लगेगा कि यहाँ पे वाज वेस्टेड है तो वाजेंट लगा दे, लेकिन नहीं,
नन आपको अपने आप में नेगेटिव वर्ड दे रहा है, नन आपका नेगेटिव वर्ड दे रहा है, तो यहाँ पे हमें चाहिए पॉजिटिव। अगर आपका नन नेगेटिव दे रहा है तो हमें चाहिए पॉजिटिव, और वाज के साथ एक पॉजिटिव तो वाज इट हो जाएगा। नेक्स्ट, वी वॉर्न हर अगेंस्ट द डेंजर, क्योंकि जब भी कुछ को वॉर्न करते हैं किसी डेंजर के खिलाफ, तो डेंजर के अगेंस्ट, डेंजर के खिलाफ उसको वॉर्न करते हैं, तो अगेंस्ट द डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑल लव डैश द अफेयर 147, वी विल लव डैश द अफेयर। तो लव के साथ आ जाएगा आपका अबाउट, और लव अबाउट जो होता है दोस्त, लव अबाउट जो होता है आपका, आपका idiom होता है, किसी चीज़ के ऊपर चकल करना या किसी चीज़ की खिल्ली उड़ाना, तो हो जाएगा वी ऑल लव लव अबाउट द अफेयर, उस अफेयर पे आप लव हंस रहे थे। 148, द चेयरमैन एज वेल एज मेंबर, एज वेल एज आपका लग गया तो बहुत ही बेसिक है कि हमेशा आपका इज लगेगा, क्योंकि जब चेयरमैन के हिसाब से आपका लगेगा वर्ब, तो चेयरमैन आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका इज, आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो चेयरमैन एज वेल एज मेंबर्स। नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स आर लाइटेड, देखिए फ्रेंड्स क्या है, आर के बाद आना चाहिए था ing फॉर्म, लेकिन यहाँ पे आया है लाइटेड, ed फॉर्म, थर्ड फॉर्म आया है, तो यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चला गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट जो भी आपकी गली है वो गली काम नहीं करेगी, गली एक नॉन लिविंग थिंग है, तो गली के साथ जब भी आप लगाएंगे तो पैसिव वॉइस पे सेंटेंस बना सकते हैं, तो हमें यहाँ पे चाहिए पैसिव वॉइस के लिए, तो बाय हो जाएगा, द स्ट्रीट्स आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट 140, यहाँ पे 140 एडिट कर दिए हैं, तो बाय द टाइम आई रीच अमेरिका, इट बाय द टाइम का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट वुड बी मॉर्निंग, इट वुड बी मॉर्निंग, तो बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट वुड बी मॉर्निंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल क्लॉज है, तो यहाँ पर आपको चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखने के लिए यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट, आई रीच अमेरिका, आई रीच अमेरिका आपका सिंपल टेंस में है, और जब भी आपको सिंपल टेंस में होगा तो आगे वाले लेना आपको में इट वुड बी मॉर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे से कट्स डैश द नीड ऑफ ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी, क्वेश्चन नंबर 150, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर यहाँ पर आपको फ्रेजर ग्राफ आपको परेशान कर सकता है, तो कट्स ऑफ मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंटरप्ट कर देना, किसी चीज़ को आप दो चीज़ों के बात करते समय, आपको बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब दो चीज़ों में फ़ोन पे बात हो रही थी तो आपको कट ऑफ हो गया, मतलब इंटरप्ट हो गया, तो यहाँ पे भी इंटरप्ट का मतलब होता है कट ऑफ, कट आउट, कट आउट मतलब होता है कि किसी चीज़ को ना करना, किसी चीज़ को किसी काम को रोक देना, कट आउट कर देना, कट अवे मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव कर देना, कट काट के उसको अलग कर देना, कट अवे मतलब कि कट मतलब काट और अवे मतलब दूर करना, तो उसको कट करके अवे कर देना, और आपका एक बच गया जो आपका आंसर होगा तो वो है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी चीज़ की अमाउंट या किसी चीज़ की नंबर को आप कम कर रहे, किसी चीज़ की अमाउंट को आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं, तो वही बता रहा है यहाँ पे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे से कट्स डाउन, कट डाउन द नीड ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन की नीड थी उसको कट डाउन, उसको कम किया, रिस्क फ्रॉम सर्जरी, और सर्जरी में से रिस्क को भी को कम कर दिया। तो ये थे दोस्त हमारे 150 तक के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, और हमारे FB पेज को फॉलो करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए, और जहाँ पर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमारे ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करिए। तो बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स, थैंक यू।